वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी हुई। जैसे कि राजस्थान सरकार द्वारा 23 फरवरी 2022 का जो बजट पेश किया गया, इस बजट के अंदर जो आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनको जो मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो आप जानेंगे कि 20% जो बढ़ोतरी की गई है तो अब आपका जो मानदेय हर महीने कितना मिलेगा, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका और आशा सहयोगिनियों के जो बढ़ा गया मानदेय वो कब तक आपके मानदेय आपको मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को आपको आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल में आपको जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। राजस्थान सरकार ने जो बजट निकाला है 2022 का, ये बजट आपको 23 फरवरी 2022 को निकाला गया, मतलब कल ही। तो इस बजट के अंदर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो 20% का जो बढ़ोतरी की गई है, इस बजट में ही आप देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। चलिए इस बजट के अंदर जो पार्षद संख्या 128 के अंदर आपको जाना है और वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का और आशा सहयोगिनी का जो मानदेय उसमें आपको लिखा गया है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि इसमें लिखा गया है, इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मी को तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड डे मील कुक, कम हेल्पर, लॉन्गरी और ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर तथा कर्मी आदि जिनके मानदेय में प्रति वर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 2022 से 20% की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। जैसे कि आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, आशा सहयोगिनियों के जो मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है, जैसे कि आपके जो राज्य सरकार से ही आपको जो मानदेय में पैसे ऐड होते हैं और केंद्र सरकार से भी आपके मानदेय में जो पैसे ऐड होते हैं, तो आपके जो राज्य सरकार से जो भी पैसे आपको मिलते हैं उनका 20% बढ़ाकर आपको मानदेय दिया जाएगा। चलिए राज्य सरकार से कितने पैसे आपके जो दिया जाता है वो आप हम जान लेते हैं। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति वर्ष 7,800 रुपये मानदेय मिलता है, इसमें केंद्र सरकार 4,500 दिया जाता है और राज्य सरकार 3,300 रुपये देते हैं। तो राज्य से मानदेय 20% बढ़ने पर 990 रुपये के अतिरिक्त यानी 8,790 रुपये मिले। कि सहायिकाओं का जो मानदेय है अब आपको 8,790 रुपये 1 जुलाई से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में जिले में 3,200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसी तरह 2,700 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,450 रुपये होता है। राज्य के 2,200 रुपये हिस्से पर 20% बढ़ने पर 660 रुपये अतिरिक्त यानी 5,110 रुपये मानदेय मिलेंगे। जैसे कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अब बढ़कर आपको 5,110 रुपये का मानदेय आपको मिलेगा और आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ताओं को 5,975 रुपये की जगह अब 6,717 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार जिले की 2,700 आशा सहयोगियों को 3,861 रुपये मासिक देय होगा। पहले उन्हें 2,970 रुपये मिलते थे, अब जैसे कि इस बजट के बाद में 1 अप्रैल को आशा सहयोगियों को अब मिलेंगे 3,861 रुपये। इस तरह से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगियों के मानदेय में इसमें वृद्धि की गई है। 2022 का जो बजट वो पेश हुआ है 23 तारीख को, इस बजट के अंदर जो 20% जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि हुई है। इस तरह की जानकारी हमारे इस चैनल में मिलती रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के रिलेटेड और पोषण टेकर ऐप के रिलेटेड हमारे इस चैनल में सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप हमारे इस चैनल में आपको आसानी से जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करते ही आप हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हो।